नमस्कार, मैं राजू सर, आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। इटावा जनपद में अवैध रूप से चल रहे शराब के धंधों को रोकने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देश अनुसार जसवंत नगर पुलिस और आबकारी विभाग की टीम को एक बड़ी सफलता मिली है। पुलिस को वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना मिली थी कि एक कंटेनर फिरोजाबाद की तरफ से आ रही है, जिसमें भारी मात्रा में शराब मौजूद है। सूचना मिलते ही पुलिस ने वाहन चेकिंग अभियान चलाया, जिसके बाद मुखबिर द्वारा पुलिस को बताया गया कंटेनर को पुलिस ने आता देखा। पुलिस ने रोकने के बाद कंटेनर चालक ने ट्रक को नहीं रोका, जिसके बाद पुलिस ने कंटेनर का पीछा किया। रात का फायदा उठाकर चालक तो ट्रक छोड़कर फरार हो गया, लेकिन ट्रक में बैठे एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद पुलिस ने शराब से भरे कंटेनर को कब्जे में लिया। पकड़े गए कंटेनर से पुलिस को 580 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है, जिसकी कीमत बाजार में 18 लाख के आसपास बताई जा रही है। उसी के तहत जो हमारा थाना जसवंत नगर है, उसको बड़ी सफलता हाथ लगी है उसकी टीम को। और चेकिंग के दौरान 580 पेटी देशी शराब की जो है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 18 लाख रुपए है, वो जब्त किया गया है। इसमें एक अभियुक्त को जो है गिरफ्तार किया गया है। इसमें ये इलीगल ट्रांसपोर्टेशन यहाँ से कर रहे थे, हरियाणा मेड ये देसी शराब ये निकल के आई है। और इसमें जो है, इस घटना की तह तक जाने के लिए सीओ जसवंत नगर के नेतृत्व में एक टीम भी मेरे द्वारा गठित की गई है, जिसमें इसके तह तक पहुंचा जाए कि जो ट्रांसपोर्टेशन जो हो रहा था, जो ये गाड़ी इस्तेमाल हो रहा था, जो ये लोग थे, उस पर भी काम करेंगे। जो ये अलग अलग नंबर्स जो अगर इस्तेमाल हुए हैं, उस पर भी काम करेंगे। और जो हरियाणा से जो पूरा नेटवर्क जो ये अगर है इसमें, तो उसको भी आइडेंटिफाई करके ये हम लोग यहाँ अपने जनपद इटावा में बहुत क्लियर मैसेज एक देने दे दिया हम लोगों ने कि किसी भी तरीके का इलीगल शराब का या किसी भी चीज का वो ट्रांसपोर्टेशन ना होने देंगे, ना बिक्री होने देंगे। और इसकी तह तक जाके इसमें जितने भी बड़े गिरोह है, सबको हम लोग पकड़ के जेल में बंद करेंगे। क्या लगता है ये इतनी भारी मात्रा में शराब पकड़ी गई है, इसका इस्तेमाल क्या आने वाले होली के त्यौहार पर या कहीं अन्य इस्तेमाल होने के? मैंने जैसे बताया कि ये हरियाणा मेड शराब है, और सिर्फ इस 580 पेटी 18 लाख रुपए की शराब बरामदगी ही हमारा उद्देश्य नहीं है। सीओ जसवंत नगर के नेतृत्व में पूरे तह तक इस घटना में जाके, हरियाणा से लेके शराब, बंगाल, बिहार, क्या इनका पूरा आयोजन था, क्या इनकी प्लानिंग थी, पूरे तह तक जाएंगे। और इम्पोर्टेंट इनपुट्स भी हमें मिले हैं, और आप जल्द ही उम्मीद करें कि इसमें जो गैंग के बाकी भी अगर जो लोग हैं अगर शामिल, तो उनको भी रगड़ के, इनको जो है पकड़ के इनको जेल भेजा जाएगा, और गैंगस्टर तक की भी कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। बहरहाल क्लियर मैसेज है हमारी पुलिस का कि जनपद इटावा में किसी भी अवैध चीज का, चाहे शराब हो, चाहे कोई नशे का सामान हो, उसकी बिक्री पे बिल्कुल जो है इसमें सख्ती रहेगी, और किसी भी तरीके का कोई इस तरीके का इलीगल काम नहीं होने देंगे। पेश है इटावा से राहुल तिवारी की खास रिपोर्ट।